नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी दलका न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सेवा बनी परिवहन मंत्री के गले की फांस, रोडवेज यूनियन के नेताओं ने लगाए आरोप। अतिथि अध्यापकों ने किए विरोध के स्वर बुलंद, नियमित किए जाने की कर रहे हैं मांग। नगरपालिका कर्मचारी संघ ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की दी चेतावनी। बैंक अधिकारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, अकेले पानीपत में हर रोज हो रहा है 200 करोड़ रुपए का नुकसान। अभय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी को बताया बच्चा पार्टी, हुडा के कांग्रेस छोड़ने का जताया अंदेशा। गीता कॉलोनी के निर्माणाधीन भवन के गिरने से मरे दो मजदूरों के परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप। वार्ड 9 की इंदिरा बाजार में ट्यूबवेल हुआ ठप, लोगों को करना पड़ रहा है पीने के पानी की समस्या का सामना। बेटी की कथित हत्या के मामले में परिवार ने पुलिस अधीक्षक से मांगा न्याय, ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक राजेश के परिजनों ने एसपी से मांगा न्याय, एसपी ने दिया आश्वासन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए विस्तार से जानते हैं संघ की सभी खबरें। हरियाणा रोडवेज यूनियन के नेता महावीर सिंह देशवाल ने परिवहन मंत्री पर आरोप लगाया कि ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार और चंडीगढ़ में बैठे उच्च अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। बीते दिन पानीपत कलेक्टर सचिवालय में तहसील स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र का उद्घाटन करने के लिए परिवहन मंत्री को आमंत्रित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में पानीपत के पिछड़ने पर मुख्यमंत्री ने जब परिवहन मंत्री से जवाब मांगा था तो उन्हें जवाब देते नहीं बना था। इस संबंध में जब पानीपत रोडवेज के जीएम रामकुमार से बात की गई तो उन्हें मालूम ही नहीं था कि परिवहन विभाग किस प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर सकता है। उधर महासंघ के प्रदेश सचिव अनिल गुंडू ने साफ तौर पर उच्च अधिकारियों को दोषी बताया। हालांकि मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि परिवहन विभाग की सेवाएं भी जल्द ही ऑनलाइन की जाएंगी, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि जब जीएम स्तर के अधिकारी को भी इन सेवाओं की जानकारी तक नहीं है तो इन्हें अमल में कैसे लाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री जी का सवाल था वो आपको क्या लगता है कि वो किस आधार पर रहा होगा? सुझाव जो दिए गए हैं सरकार द्वारा हमारे लिए मान्य है, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। जो सरकार द्वारा समय समय में सुझाव आते हैं उन पर यथासंभव प्रयास करेंगे। तो उच्च स्तर के अधिकारी जिम्मेवार हैं, जैसे वो हमारे ACS दंपत सिंह बैठे हैं या DG साहब हैं, तो पॉलिसी तो हेडक्वार्टर से रिन्यू हो के आती है और जब धरातल पे लागू होती है, तो इसमें तो हेडक्वार्टर और ऊपर तक सरकार जिम्मेवार है। सरकार से आज माननीय मुख्यमंत्री ने कई डिपार्टमेंटों को बताया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और मेरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बड़ा है, इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार की जो स्कीम क्लब करके ही पोर्टल पर डाली जाएंगी, इसलिए हमारी ट्रांसपोर्ट विभाग की पेंडेंसी आज आपको नजर शो ये करी थी भी इसकी प्रोफेंस ठीक नहीं है, लेकिन इसमें केंद्र और हरियाणा सरकार की स्कीम ज्वाइंट है वो क्लब करके इस पोर्टल पर डाली। बुधवार को विकास नगर निवासी रतन सिंह लगभग एक दर्जन लोगों के साथ SP पानीपत सुमित कुमार से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने घटनाक्रम को दोहराते हुए बताया कि उनके पुत्र राजेश की पुलिस प्रताड़ना से हुई मौत में अभी तक उन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। वहीं SP पानीपत ने मृतक के परिजनों को निष्पक्ष और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि 9 दिसंबर की रात को CIA 2 द्वारा मृतक राजेश को उसके घर से उठा लिया गया था और कथित तौर पर उस पर 3rd degree का प्रयोग किया गया था, इससे उसकी मौत हो गई थी। उसी के न्याय के लिए ही परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपके भी संज्ञान में है, आपने भी ये मामला बड़ी बेखूबी और बड़े अच्छे तरीके से उठाया था कि CIA 2 में 10 दिन पहले एक राजेश नाम के युवक के साथ इन्होंने टॉर्चर करके उसकी हत्या कर दी गई। उसमें 3-4 दिन के बाद जब हमने इसकी आवाज़ उठाई तो इन्होंने 101 FIR लॉन्च की थी, 302 सेक्शन 365 IPC के तहत। लेकिन आज 10 दिन हो गए हैं, इन्होंने कोई भी आरोपियों के खिलाफ कोई भी एक स्टेप नहीं लिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया, कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उनको 1 घंटे भी कमरे में बैठा के इन्वेस्टिगेट नहीं किया। दूसरा, हमारी जो मांग थी उस टाइम कि SIT का गठन हो, आज तक भी हमें उस SIT के गठन ना किया गया है, ना उसका नाम बताया गया है, ना कोई फर्दर जो भी अफसर इसका है जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा ना हमें बताया गया है। अब हमें बताया गया, हम SP साहब से मिल के आए हैं कि आपका 2 तारीख तक हम ये SIT वाला मामला हम आपको दे देंगे, बता देंगे। लेकिन हमारी ये मांग जरूर थी, लेकिन हमें
को न्याय चाहिए, न्याय भी हमें लेना आता है, लेकिन हमने पुलिस पे विश्वास किया, हमने इनको 2 तारीख तक का फिर टाइम दिया। अगर 2 तारीख के बाद इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की आरोपियों के खिलाफ, तो हम जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबको एक छत के नीचे इकट्ठा करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे। करनाल के गांव गगसीना निवासी दलेल सिंह की बेटी सुनील देवी की हत्या में न्याय दिलाने के मामले में परिजन पानीपत एसपी सुमित कुमार से मिले। पीड़ित परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी की शादी 9 साल पहले समालखा के राजवीर के साथ हुई थी। शादी से लेकर अब तक दोषी परिवार उनकी लड़की को परेशान कर रहा था, जिसे लेकर कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका परिवार को डर था। आरोपियों द्वारा उनकी बेटी की जान ले ली गई। पीड़ित परिवार न्याय के लिए एसपी से मिलने पहुंचा, वहीं एसपी सुमित कुमार ने परिजनों को न्याय का आश्वासन दिया है। 16-9 को जी हमारी लड़की घर में फांसी पर लटका कर मारती थी, और आज तक लगभग 4 महीने हो चुके हैं, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हम कार्रवाई चाहते हैं। कृपा करके आपके सहयोग से भी, एसपी और डीएसपी साहब के सहयोग से भी, हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिलना चाहिए। पानीपत के इंदिरा बाजार एरिया में लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते पीने का पानी दे रहा एकमात्र सबमर्सिबल ठप कर दिए जाने का मामला सामने आया है। इससे लोगों के सामने पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि 4 साल पहले उनके वार्ड में एक सबमर्सिबल लगवाया गया था जो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है। उधर पता चला कि 2 महीने पहले विभाग के कर्मचारी से ठीक करने आए थे, लेकिन उनके हाथ से मोटर बोरवेल में ही छूट गई। हैरत की बात यह है कि मोटर बाहर निकालने के बजाय कर्मचारियों ने बोरवेल में मिट्टी और रोड़ा डालकर उसे बंद कर दिया। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उन्हें पानी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वार्ड की नव निर्वाचित पार्षद मीनाक्षी नारंग के पति और पूर्व पार्षद अशोक नारंग से जब इस विषय पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि पानी की समस्या को लेकर वे कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन अधिकारी अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। उन्होंने कहा कि अब यदि अधिकारी समय पर काम नहीं करेंगे तो वे सीएम विंडो में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे, लेकिन वार्ड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वहीं जब जेई अंकित से इस विषय पर बात की गई, तो उन्होंने कहा कि वे अपने विभाग से संबंधित अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं और जल्द ही समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि इंदिरा बाजार का ये ट्यूबवेल, जिस पर लगभग 4.5 लाख रुपये खर्च हुए थे, वे अब बेकार हो चुका है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसकी तो मैं विजिलेंस जांच की मांग करूंगा। भाई ये 8 वार्ड के अंदर जो नया 9 वार्ड बन चुका है, इसके अंदर काफ़ी टोल खराब पड़े हैं। खाली ये नहीं, ये इंदिरा बाजार का खराब पड़ा है। आई बी स्कूल के पास आज से 1.5 साल पहले एक टोल लगा था अपना मुख्यमंत्री के कोटे से, जो कि 10 से 15 लाख का लगा था, वो भी 1.5 साल के अंदर बैठ गया। इसके बारे में नहीं, मैंने यहाँ के एक्शन कोशिश जी को कहा है, पर वो सुनवाई नहीं करते। पानी की समस्या है, 1-1.5 महीना हो गया, पहले सही चल रहा था, जब से चाबी मिली है तब से पानी नहीं सही आ रहा। पानीपत की गीता कॉलोनी में निर्माणाधीन भवन के नीचे दबकर मरे 2 श्रमिकों के परिजनों ने लोक शौचालय में जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप था कि अवैध कमर्शियल भवन बना रहे भवन मालिक को पुलिस बचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा कि आज पानीपत में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। 2 मजदूरों की भवन निर्माण के दौरान लिंटर गिरने से हुई मौत को 12 दिन का समय गुजर चुका है, लेकिन भवन मालिकों के खिलाफ अब तक कोई भी आपराधिक मामला दर्ज न होना प्रशासन की नीयत पर संदेह करता है। लेकिन उपायुक्त पानीपत ने सरकार से पत्र व्यवहार कर पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जन अधिकार यात्रा के दौरान सोनीपत के बिथलान गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और भाजपा तथा कांग्रेस पर हमला बोला। अभय ने कहा कि मुख्यमंत्री से न केवल हरियाणा की जनता उपेक्षित है, बल्कि खुद भाजपा के मंत्री और विधायक भी मुख्यमंत्री पर उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं। पटौदी से भाजपा विधायक बिमला चौधरी ने मुख्यमंत्री पर इसी तरह के कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज इस तरह की बोली हुड्डा बोल रहे हैं, उसे लगता है कि जल्द ही वे कांग्रेस को अलविदा कह देंगे और जेजेपी की तरह अलग दल बना लेंगे। उन्होंने जेजेपी पर चुटकी लेते हुए इसे बच्चा पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जन अधिकार यात्रा का मकसद भाजपा सरकार की नीतियों की पोल खोलना है। मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को जल्दी अलविदा कहने वाले, जल्दी छोड़ करके कोई नई पार्टी बनाएगा या किसके साथ जाएगा, ये तो उन्होंने फैसला करना है। लेकिन उनकी जो भाषा है उससे आभास है
कि वो कांग्रेस से बाहर होगा। नमी के नाम पे 250-300 रुपए कम दिए जा रहे थे, 500-500 रुपए जेब से लोगों के इस बात के निकाल लिए थे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना के तहत तेरी फसल का बीमा करना है, बिना पूछे बिना बताए उससे ले लिया। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अब 1 तारीख से इस जन अधिकार यात्रा का स्वरूप बदलेंगे। अब इसका ठहराव भी गांव में होगा, जहां रात का लास्ट कार्यक्रम होगा वहीं हम इसका ठहराव करेंगे और वहीं से अगले दिन इसकी शुरुआत करेंगे। हम पूरे हरियाणा प्रदेश में तब तक इस पहिए को चलाएंगे जब तक लोगों को उनके अधिकार नहीं मिले। लेकिन दुष्यंत चौटाला ये कह रहे थे, मैं कह रहा हूं बच्चों की पार्टी सर, आप फिर पूछे वो ये कह। नगर पालिका कर्मचारी संघ की ओर से पानीपत निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि स्थानीय निकाय कर्मचारियों की मांगों का समाधान करवाने के लिए उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ कई दौर की वार्ता के बाद कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन सहमति बनने के बाद सरकार ने मीटिंग की जो कार्रवाई रिपोर्ट जारी की उसमें कुछ मांगों को दर्ज ही नहीं किया गया। संघ का कहना है कि 8 मई की स्थिति को बहाल करते हुए हड़ताल में जिन कर्मचारियों के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हुए थे उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने की सहमति बनी थी, लेकिन आज भी कर्मचारियों और नेताओं के ऊपर केस लगे हुए हैं। 24 मई की वार्ता में ये फैसला भी हुआ था कि भविष्य में सफाई कार्य का ठेका नहीं दिया जाएगा और जो कर्मचारी ठेका प्रथा में लगे हुए हैं उन्हें रोल पर किया जाएगा। इस तरह की कुछ और मांगों पर भी कर्मचारी संघ ने अपना ऐतराज दर्ज करवाया है। चेतावनी के लहजे में उन्होंने कहा कि 3-4 जनवरी को प्रदेश के सभी शहरों में झाड़ू प्रदर्शन किया जाएगा। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 8-9 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पालिका परिषद और निगम के कर्मचारी भी शामिल होंगे। और वहाँ पर 1700 वोट ये शो कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये कर्मचारियों को कहाँ देने वाले हैं? जब ये पॉलिटिशियन पार्टियों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं तो कर्मचारियों के साथ तो आसान सी बात है धोखा करना। अपनी मांगों को लेकर बात करें तो क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे हमारे मांग पत्र में लिखी हुई है, सारी मांगे हमारी राज्य कार्यकारिणी की लेवल की मांगे हैं, उन्होंने वहाँ टेबल पर बात करी थी। बार बार ये सरकार बुला लेती है लेकिन एक भी मांग का पत्र जारी नहीं किया। अब हमारी ये 2 दिन, आज तो हम कमिश्नर महोदया को देख आए हैं ज्ञापन, कल हम DC महोदया को देंगे, उसके बाद जैसा भी हमारी राज्य कार्यकारिणी का आदेश होगा, हड़ताल करने का होगा या जो भी कार्यकारिणी हमारे को आदेश देगी उसकी हम पालना करेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सभी कर्मचारियों द्वारा बुधवार सुबह GT रोड स्थित स्टेट बैंक के गेट पर सांकेतिक हड़ताल करते हुए भारत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे अनिश्चित काल धरने पर हड़ताल पर चले जाएंगे। सांकेतिक हड़ताल है वेतन रिवीजन के बारे में, हमारे ऑलरेडी 13 महीने लैप्स हो चुके हैं, 1/11/2017 से हमारा वेज रिवीजन ड्यू है, जो सरकार पहले 16 में हमें बार बार इन्विटेशन दे रही थी कि आइए हम आपकी मांगें पूरी करेंगे, लेकिन अब तो सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है और थोड़ा 2-4% का ऑफर देकर बैंकों को एक किस्म से तोड़ने की कोशिश कर रही है। पानीपत के मॉडल टाउन क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने घर में घुसकर एक युवक इंतजार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। याद रहे कि लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी इंतजार उसके घर आता था, बीते दिन भी आरोपी उसके घर पर आया और उसके साथ छेड़खानी और गलत हरकत की और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। दूरभाष पर इंचार्ज ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बारे में बताते हुए कहा कि सुबह वीरवार को आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। बीते 13 सालों से हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे करीब 14,000 अतिथि अध्यापक एक बार फिर आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। नियमित करने की मांग को लेकर प्रदेश भर के गेस्ट टीचर्स ने सभी 90 विधायकों और अथवा उनके प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर नियमित करने की मांग की। चेतावनी के लहजे में उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही उनको नियमित नहीं किया तो वे आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इन गेस्ट टीचर से वायदा किया था कि सरकार बनते ही पहली कलम से उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन 4 साल से अधिक का समय बिताने के बावजूद भी उन्हें नियमित करना तो दूर, समान काम समान वेतन भी नहीं मिला, जिससे अब इन गेस्ट टीचर्स ने अपनी मांग को लेकर विरोध के स्वर बुलंद करने का मन बना लिया है। आज हमने यहाँ पर मई पाल डांडा को और रविंद्र मसरोली को और MLA रोहित अरेवड़ी को ज्ञापन दिया है ताकि आने वाले सत्र में ये गेस्ट टीचरों को नियमित करने की बात इस सत्र में उठा सकें। इसीलिए पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी ब्लॉक वाइज और सभी MLA को ये ज्ञापन सौंपे गए हैं। क्या क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमारी मांग केवल नियमित होने की है, जितना जल्दी हो सके सरकार नियमित करे।
क्या नाम है आपका? अपना जो चुनावी घोषणा में वायदा उन्होंने वायदा किया था उसको पूरा करें। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह देशवाल। चलो इसके साथ ही गिरीश मानव को दीजिए इजाजत, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।